जी मेरे प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट्स, आज मैं जर्मनी के शहर हाले में हूँ, जो कि जर्मनी की जो स्टेट सेक्शन है वहाँ पे। और मेरे सामने एक मशहूर मैथमेटिशियन गियोर्ग केंडर, इसकी एक मॉन्यूमेंट है, लेक है यहाँ पे। और गियोर्ग केंडर जो है वो बेसिकली हमें पता है सेट थ्योरी का फाउंडर समझा जाता है, और ये यहाँ पे मैथमेटिशियन था जो कि 1845 से 1918। और केंडर बेसिकली फेमस है इसकी जो आइडियाज़ हैं इन्फिनिटी के बारे में, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो इन्फिनिटीज़ हैं उनके आइडियाज़ के बारे में। तो इधर जो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली केंटर का एक आर्गुमेंट है जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था कि जो इन्फिनिटी है रैशनल नंबर्स की, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं जस्ट लाइक द इन्फिनिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम सारे नेचुरल नंबर ले लें, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, उसको यहाँ पे रख लें और इसी तरीके से दोबारा से 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी इधर कर लें, और इसी तरीके से ये चलते चले जाएँ, और पहले वाली सारी रो को अगर हम 1 से डिवाइड करें और दूसरी वाली रो में हर नंबर को हम 2 से डिवाइड करें, और तीसरी को 3 से, और फोर्थ को 4 से, और फिफ्थ में हर नंबर को 5 से डिवाइड करें, तो इस तरीके से जितने भी रैशनल नंबर्स हैं जिनको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम इस तरीके से उनका एक इन्फिनिट टेबल बना सकते हैं। और ये जो इन्फिनिटी होगी ये बेसिकली काउंटेबल इन्फिनिटी होगी, और ये काउंटेबल इन्फिनिटी बेसिकली बताई थी केंटर ने, और उसका उसने मेथड ये बताया था कि नंबर्स को आपने इस तरीके से लिस्ट करना है, और उस लिस्ट करने के बाद आपने एक चेन बनानी है, और इस चेन को इस तरीके से जब आप खोलेंगे तो बेसिकली आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगा, इसी तरीके से ही जिस तरीके से हमारे सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ये बेसिकली इसने फर्स्ट टाइम प्रूव किया था, जो रैशनल नंबर्स की इन्फिनिटी होती है वो भी काउंटेबल होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ और जो इन्फिनिटीज हैं वो इससे बड़ी भी होती हैं, और उनमें से जो एक इन्फिनिटी है वो कंटिन्यूम इन्फिनिटी ऑफ द कंटिन्यूम है, और सी स्टैंड्स फॉर दैट है। और यहाँ पे ये जो सिंबल है, ये हिब्रियो जो लैंग्वेज है उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है अलफ, वो है, और अलफ ज़ीरो मीन्स द फर्स्ट लेटर। ये फार्मूला ये बताता है हमें कि जो रियल नंबर्स की इन्फिनिटी है वो नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर्स की इन्फिनिटी से भी बड़ी इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटीज़ के अंदर भी एक पूरी हायरार्की बन सकती है, देर कैन बी इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ इन्फिनिटीज। और पहले लेवल जो इन्फिनिटी का होगा वो अलफ नल होगा, जिसे नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी कहते हैं या रैशनल नंबर्स की, और उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फिनिटी होगी वो रियल नंबर्स की इन्फिनिटी होगी, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे इसका एक मशहूर कोट भी है जिसका मतलब ये है, जिस इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी ये है कि द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। ओके, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है, हाले के अंदर बड़ी फेमस जगह है, फेमस मॉन्यूमेंट है, जहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाऊँ अपने दोस्त के साथ, और आ जाऊँ मैंने सोचा कि इसके अंदर एक छोटा सा व्यू लाऊं। आई होप कि आपको कुछ इससे मज़ीद सीखने का मौका मिलेगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।